हाय फ्रेंड्स, आई एम हितेश, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर एनवायरमेंटल स्टडीज़ पार्ट टू का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ फ्रॉम शेल्टर्स टू विलेज सेटलमेंट्स। ओके, सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या क्या है इस चैप्टर में। 3 टॉपिक्स हैं और वो हैं शेल्टर, सीजनल कैंप्स, विलेज सेटलमेंट्स। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। ओके, सो कम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द शेल्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ। इन द 5th लेसन वी सॉ दैट द नीडरथल्स लिव्ड मेनली इन केव्स। एट दैट टाइम The climate in Europe was extremely cold. 5th lesson में हमने ये पढ़ा है कि जो Neanderthals थे वो एक तरह के की इंसान की जाति थी। वो caves में रहा करते थे, ज़्यादातर caves में, गुफाओं में रहा करते थे। वो टाइम पे जो यूरोप का जो क्लाइमेट था, जो एटमोसफेयर था, वो बहुत ज़्यादा ठंड का था। The Neanderthals could protect themselves from the freezing temperatures because they wore leather clothing and made use of fire. Okay, जो Neanderthals थे वो अपने आप को बचाते थे freezing temperatures, यानी कि वो ठंडी जो बर्फबारी होती थी, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे बर्फबारी होना शुरू हो जाती थी, इसलिए वो लोग लेदर से बनी कपड़ों को पहनते थे और फायर से उनको बनाया करते थे। परहैप्स दैट वॉज नॉट इनफ, पर ये काफ़ी नहीं था। दैट इज़ वाई दे used animal hides to erect tents inside the caves for warmth. इसलिए उन्होंने caves के अंदर animals की जो चमड़ी है उनसे tent बनाए गर्माहट के लिए। okay, wherever necessary they also built huts in the open. जहाँ ज़रूरत पड़ती वो huts भी बनाया करते थे, झोपड़ियाँ भी बनाया करते थे खुले एरियाज में। नाउ आगे, ये फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड वन इज सीजनल कैंप्स। इन द मिडिल स्टोन एज ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस हैड एस्टैब्लिश्ड कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिडिल स्टोन एज के समय में जो होमो सेपियंस का जो ग्रुप था, बहुत सारे ग्रुप्स थे, उन्होंने कैंपिंग करना शुरू किया दुनिया भर में। एट दैट टाइम द क्लाइमेट वॉज गेटिंग वार्मर एवरीवेयर, द टाइम एनवायरमेंट वॉज चेंजिंग एंड विथ इट द डायट ऑफ होमो सेपियंस वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग चेंज। वो समय में जो क्लाइमेट था वो गर्म होते जा रहा था, यानी कि क्लाइमेट चेंज होते जा रहा था, एटमोसफेयर में चेंजेस आते जा रहे थे, हर तरफ एनवायरमेंट बदल रहा था। और उसके साथ होमो सेपियंस का जो डाइट था उसमें भी धीरे धीरे चेंज आ रहा था, खाने पीने में भी धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो गया था। बाय द टाइम ऑफ मिडिल स्टोन एज बिग एनिमल्स लाइक मैमथ्स वर ऑन द वे टू एक्सटिंक्शन ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरमेंट एंड ऑल्सो बिकॉज दे वर हंटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ओके, मिडिल स्टोन एज के बाद से बड़े जानवर जैसे कि मैमथ्स वो ख़त्म होने की कगार पे थे, यानी कि ख़त्म होने वाले थे, और चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से भी, और उनका हंटिंग बहुत ज़्यादा किया जाता था, उनको हंट बहुत ज़्यादा किया जाता था। ये दो रीजंस की वजह से वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और ख़त्म हो गए। ये थे मैमथ्स, दीज आर मैमथ्स। ओके,
आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा, ये क्या है, अवाम टू रूम टेंट इरेक्टेड बाय नीएंडरथल मैन इनसाइड अ केव फ्रांस। ये जगह फ्रांस में इसके अवशेष मिले गए हैं और ये एक नीएंडरथल मैन ने बनाया है केव के अंदर। इसमें दो रूम हैं। ओके चलो आगे देखते हैं। दैट इज़ वाई होमो सैपियंस हैड लार्जली टर्न टू फिशिंग। ही ऑल्सो बिगिन टू डिपेंड मोर ऑन हंटिंग स्मॉलर एनिमल्स लाइक द वाइल्ड बोर, डियर, माउंटेन गोट एंड शीप। ओके इस वजह से मैमथ्स और ये बड़े बड़े जानवर ख़त्म होने की वजह से भी होमो सैपियंस ने शिकार करना कम किया और वो फिशिंग करना उन्होंने शुरू किया और वो ज़्यादातर छोटे एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे, जैसे कि वाइल्ड बोर, डियर, माउंटेन गोट, जो माउंटेन में रहने वाली गोट थी, और शीप, गोट है और वो शीप। अभी यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द मैमथ वॉज एन एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट, हाउएवर ही वॉज मच बिगर इन साइज कम्पेयर टू द एलिफेंट। अभी मैमथ और एलिफेंट में क्या डिफरेंस है, ये मैमथ जो है वो एलिफेंट जैसा ही दिखता है, बट एलिफेंट इस तरह दिखता है। बोलते हैं कि ये मैमथ जो था वो एलिफेंट का पूर्वज था, एंसेस्टर यानी कि पूर्वज। बट जो एंसेस्टर जो मैमथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा था एलिफेंट से भी। ओके आगे देखते हैं। द चेंज डैट पैटर्न इनेबल्ड द ग्रुप्स ऑफ होमो सैपियंस टू रूम टू फार अवे रीजन्स। जो डाइट का पैटर्न चेंज हुआ होमो सैपियंस के ग्रुप्स का, इस वजह से वो दूर दूर तक वंडर करने लगे, रोम यानी भटकने लगे दूसरी दूसरी जगहों पर। दे मूव देयर कैंप्स टू डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू सीजनल चेंजेस। ओके नाउ इसमें क्या लिखा हुआ है, डाइट पैटर्न जो होमो सैपियंस, ये बताया होके होमो सैपियंस का चेंज होने की वजह से वो लोग अपने कैंप्स को दूसरी दूसरी जगहों पर शिफ्ट करते थे सीजनल चेंजेस यानी कि गर्मी, सर्दी और बारिश के मौसम की वजह से। देयर दे हार्वेस्टेड सीजनल वाइल्ड ग्रेन्स एंड गैदर्ड सीजनल फ्रूट्स एंड रूट्स। वहाँ पे वो उस सीज़न के हिसाब से वो ग्रेन्स को उगाते थे, अनाज को उगाते थे और सीजनल फ्रूट्स उसी पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से वो फल उगाते थे और रूट्स भी खाते थे। दे वुड फाइंड आउट द बेस्ट सीजन्स फॉर फिशिंग एंड यूज़ द नॉलेज टू देयर एडवांटेज। उन्होंने बेस्ट सीजन्स फिशिंग के लिए ढूंढे और इन चीज़ों का नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी पाया, नॉलेज लेने का एडवांटेज भी उन्होंने लिया। बाय ऑब्जर्वेशन दे डिस्कवर्ड द बेस्ट हंटिंग ग्राउंड्स। ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्होंने हंटिंग के लिए जो अच्छी अच्छी जगहें हैं उन्होंने वो ऑब्जर्व किए, पहचाने, ढूंढे। फॉर दीज रीजंस दे स्टेड इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स। इस वजह से वो एक जगह पर लॉन्ग पीरियड यानी कि ज़्यादा समय तक रहने लगे। दे क्लियर्ड जंगल्स बाय फेलिंग ट्रीज एंड सेट अप देयर सीजन्ड कैंप्स इन द क्लियरिंग्स। उन्होंने पेड़ों को काटा और अपने कैंप्स को लगाना शुरू किया। तो यहाँ हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं आप फोटो में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सीजनल कैंप्स। मिडिल स्टोन एज के टाइम पे
हर जगह वो जाकर वापस से कंस्ट्रक्शन करते थे। और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज सेटलमेंट, न्यू स्टोन एज, ये मिडिल स्टोन एज का था और ये न्यू स्टोन एज, यहाँ पे विलेज में रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। नाउ लास्ट टॉपिक है और ये छोटा सा ही हम लोग जल्दी कवर कर देते हैं, दैट इज़ विलेज सेटलमेंट्स। द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस इन द न्यू स्टोन एज वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमंस इन द ओल्ड स्टोन एज एंड मिडिल स्टोन एज। ह्यूमंस का जो वे ऑफ लाइफ था, जीने का तरीका था न्यू स्टोन एज में, वो बहुत ही ज़्यादा अलग था, डिफरेंट था मिडिल स्टोन एज और ओल्ड स्टोन एज से। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमंस बिकेम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। इस पीरियड के चलते इस समय में उन इंसानों ने फूड ग्रेन्स को उगाना अच्छी तरह से सीख लिया था। द बिगनिंग ऑफ कल्टिवेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर ऑफ द न्यू स्टोन एज। कल्टिवेशन का जो बिगनिंग है, यानी कि सभ्यता, हिंदी में इसे सभ्यता कहते हैं, कल्टिवेशन ये न्यू स्टोन एज से शुरू हुआ था। सभ्यता यानी कि साथ में रहना। इन द हंटिंग एंड एक सेकेंड इन द हंटिंग एंड गैदरिंग वे ऑफ लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू कीप मूविंग ऑल द टाइम। हंटिंग, शिकार करने में और अच्छा पेट पालने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हर जगह समय के अनुसार मूव करना, जगह बदलना। However, agriculture makes it possible to store food and use it over a longer period. Agriculture ने इसमें help किया, वो ज़्यादा समय तक खाने को हम लोग store कर सकते थे agriculture की वजह से। Hence, there is no need to keep moving constantly. इसलिए ज़्यादा बहुत बार move करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। Moreover, the nature of agriculture work मेड इट नेसेसरी टू स्टे इन वन प्लेस। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्क की वजह से, खेती की वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एक ही जगह पर रहना फसलों का ध्यान रखने के लिए। Therefore, people established permanent village settlements and lived in them generation after generation. इसलिए लोगों ने परमानेंट, हमेशा के लिए विलेज, गाँव, कस्बे बसाए और पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन रहना शुरू किया। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल रिव्यू द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ दीज विलेज सेटलमेंट्स। अगले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लोग साथ में कैसे डाइवर्सिटी के साथ रहने लगे और विलेज सेटलमेंट्स कैसे और विकसित हुआ और डेवलप हुआ। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हितेश ढलानी एंड विच इज़ हितेश ढलानी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर बहुत सारे कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अब मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। टिल देन Keep growing and keep learning. Bye.